मोदी जी ने निर्णय लिया और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। उज्जैन के महाकाल में महाकाल महालोक का निर्माण हो गया। उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। फिर द्वारिका धाम और सोमनाथ का धाम कैसे छोड़ सकता था, यहाँ पर भी वही भव्यता तो आ रही है। ये है नए भारत का आस्था का सम्मान। नए भारत में आस्था का सम्मान भी है, हर व्यक्ति के जीविका की रक्षा भी है, हर एक को सुरक्षा की गारंटी भी है और भाइयों बहनों भारत का वैश्विक मंच पर बढ़ती भी प्रतिष्ठा भी है। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आतंकवाद समाप्त हुआ है कश्मीर में धारा 370 हटाने के कारण, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 हटा पाती? क्या कांग्रेस आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? द्वारिका धाम में द्वारिकाधीश के भव्य धाम का निर्माण करा पाती? और आम आदमी पार्टी, ये तो सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, ये समृद्धि में झाड़ू लगाने वाली पार्टी है। भाइयों बहनों इनसे कोई उम्मीद मत करिए। कोरोना कालखंड में इन्होंने दिल्ली में लोगों के घरों के पानी के कनेक्शन कटवा दिए, बिजली बंद कर दी, गरीबों को राशन बंद कर दिया। वह तो बगल में उत्तर प्रदेश था, 40 लाख लोगों को मैंने उत्तर प्रदेश में ला करके उनकी व्यवस्था करवाई थी, अन्यथा दिल्ली में तो ये अराजकता फैला रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह जी को निकलना पड़ा था हॉस्पिटल की व्यवस्था देखने के लिए। आम आदमी पार्टी किसी लायक नहीं है, कभी विश्वास मत कर लेना। और इसलिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आया हूं, ये कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, अराजकता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, इन पे विश्वास नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए भूपेंद्र भाई पटेल डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व गुजरात के अंदर कर रहे हैं और इसलिए जो रुझान आज दिखाई दे रहा है उसके अनुरूप भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की ओर हम सबको कार्य करना होगा। भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी ही देश की सर समस्या का समाधान निकाल सकती है और उसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दंगा मुक्त हो गया है, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। बड़े बड़े माफिया जो सत्ता का संचालन करते थे आज उनको यूपी का बुलडोजर कैसे रौंदता है आप देखते होंगे, सारे कैसे गिड़गड़ा रहे हैं। अब उनकी जो गुंडागिर्दी थी सब घुस गई, उसमें से बहुत सारे लोग तो गले में तख्ती लटका करके सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, हर बीमारी का उपचार भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान, यही समृद्धि लाई ला सकती है, यही शांति ला सकती है और शांति और समृद्धि ही व्यवसाय और रोजगार का माध्यम बन सकता है। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को एकदम ठिकाना लगा दिया, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जीरो है, जीरो सीट।
और कांग्रेस पांच यानी 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, कांग्रेस के पास दो सीट हैं, 403 में से दो सीट, यानी राम नाम सत्य है के लिए भी चार लोग चाहिए होते हैं, उसको चार भी नहीं मिले। बापू के सपने को साकार करने का सबसे अच्छा अवसर है और वह अवसर है कांग्रेस मुक्त और आम आदमी पार्टी मुक्त गुजरात बना दीजिए भाइयों बहनों। फिर से आप देखना गुजरात देश का एक मॉडल बन जाएगा राजनीति का भी, और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कालू भाई डाबी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। कालू भाई डाबी को समर्थन करेंगे सभी लोग? सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।